गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमारा जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज वो खत्म हो गया और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। लगभग 120 के आसपास क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके आपको बताया मैंने। अब आज जो मैं चालू कर रहा हूं वो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है वो यूं बोलो तो हम छोटे क्लास 6 क्लास से इसको पढ़ने लगते हैं। जैसे कि एपी जो है सीक्वेंस सीरीज है वो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे, 2 का टेबल 2 या 2 2 4 पढ़ते थे, तो वो भी एपी हमारे छोटे क्लास से पढ़ते थे, लेकिन कोई बताता नहीं था कि ये एपी है। उसी तरह से बाइनोमियल थ्योरम भी हम 6 छोटे क्लास से पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है ये बाइनोमियल थ्योरम है। तो आज वो दिन आ गया है जब आपको जानकारी होगी कि छोटे क्लास में ही हम 11th की बातें पढ़ने लगे थे। तो कैसे पढ़ने लगे थे, क्या पढ़ने लगे थे, क्या उसका यूजफुलनेस है, वो तमाम तरह की जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। ठीक है, तो देखो बच्चे आज क्या बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम चालू होने से पहले इसका जो पता लगाया था न्यूटन साहब ने पता लगाया, डिफरेंशिएशन न्यूटन साहब ने पता लगाया, इंटीग्रेशन न्यूटन साहब ने पता लगाया, बाइनोमियल थ्योरम न्यूटन साहब ने पता लगाया, और ग्रेविटेशन का भी पता न्यूटन साहब ने ही लगाया, और भी बहुत सारी चीजें का पता लगाया न्यूटन साहब ने। और दूसरी बात तो यह है कि ग्रेविटेशन का पता न्यूटन साहब ने जब लगाया था उस टाइम, जिस तरह से अभी कोरोना का जो लॉकडाउन है, जिस तरह से अभी कोरोना का लॉकडाउन है उसी तरह से उनके जमाने में प्लेग का लॉकडाउन हुआ था। प्लेग का पहला लॉकडाउन हुआ था, वो अपने छुट्टी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपने घर गए थे छुट्टी में, और ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो अपने घर छुट्टी में गए थे, और छुट्टी में ही उन्होंने ग्रेविटेशन के 3 लॉ का पता लगाया था, 1 2 3 तीनों लॉ का पता लगाया था। समझ लो उन्होंने छुट्टी का किस तरह से पॉजिटिवली यूटिलाइज किया। उसके बाद क्या हुआ, चलो मैं एक चीज बताता हूँ। एक समय था कि पेपर में एक आर्टिकल आया था, पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसका नाम था पास्कल्स ट्रायंगल। ये पास्कल्स ट्रायंगल था, पास्कल्स ट्रायंगल जब इन्होंने न्यूटन साहब ने पेपर में पढ़ा कि एक आर्टिकल का मैं पढ़ा कि पास्कल ने ट्रायंगल का पता लगाया है जिसका नाम पास्कल्स ट्रायंगल अपने नाम पे उन्होंने रखा है, तो वो कुछ उन्होंने देखा, थोड़ा बहुत देखा, उसके पूरी जानकारी नहीं थी, तो वो फिर पास्कल साहब के घर जाते हैं, न्यूटन साहब जाते हैं और मिलने जाते हैं, और वहां पर बातें करते हैं कि पास्कल जी मैंने सुना है कि आपका एक आर्टिकल आया पास्कल्स ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल क्या है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो मतलब कुछ ट्रायंगल नहीं, उसमें मैंने किस नंबर का कंबाइन करके एक इस तरह से एक सीक्वेंस तैयार किया है जो मैंने अपने घर के दीवार के ऊपर, पूरी दीवार के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, बहुत अट्रैक्टिव है, नंबरों का गेम है और नंबरों का वो एक कलेक्शन है डिफरेंट टाइप से, उसको सजाया मैंने। तो न्यूटन ने बोला कि चलो मुझे आप दिखा दो कि आपके घर में कहाँ लगा हुआ पास्कल ट्रायंगल, उनके दीवार के ऊपर ये जो ट्रायंगल है एक ट्रायंगल शेप में, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप में एक नंबर लिखा हुआ, ध्यान से देखो ट्रायंगल शेप, फिर से एक नंबर होगा ट्रायंगल शेप, बहुत सारे ट्रायंगल से ध्यान से देखो, तो ये एक ट्रायंगल आ गया, फिर ये ट्रायंगल आ गया, फिर ये ट्रायंगल आ गया, इस तरह से ट्रायंगल के शेप में इन्होंने एक नंबर का कॉम्बिनेशन पता किया था। तो वो देखने के लिए न्यूटन साहब जाते हैं और वो देखते हैं ये क्या है, तो उन्होंने देखा क्या 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 इस तरह से एक नंबर था, इस तरह से यही का यही था, और भी बड़े थे, मैंने आपको कुछ पार्ट दिखा रहा हूं, मैं आपको कुछ पार्ट दिखा रहा हूं। फिर न्यूटन साहब ने देखा तो बोला ठीक है बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन आपने तैयार किया है। तो उस टाइम तो मोबाइल तो था नहीं, जैसे फोटो खींच लिया, सेल्फी खींच लिया या क्लिक कर लिया, तो न्यूटन साहब ने बोला कि जितना भी ट्रायंगल है ये क्या मैं सब कुछ नोट कर सकता हूँ, तो पास्कल ने बोला हाँ क्यों नोट कर सकते, इसमें क्या बात है, और तो मैं चाहता हूँ कि जो ये बातें लोगों तक जाए तो नोट कर लो आप। तो ये तमाम तरह की जो नंबर्स है उनको पूरा का पूरा न्यूटन साहब ने नोट कर लिया, नोट करके अपने घर चले गए, थैंक यू बोला कि थैंक यू पास्कल जी आपने अपना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नहीं यार, तो यार न्यूटन तुम भी कमाल करता है, तुम भी साइंटिस्ट मैं भी साइंटिस्ट, दोनों मिलकर भी अच्छा ही कर रहे हैं देश के लिए, कोई बात नहीं।
तो फिर चले गए न्यूटन साहब अपने घर। अब न्यूटन साहब तो भैया खुराफाती आदमी, दिमाग का खेल। उन्होंने सोचा यार न्यूटन ने ये जो पास्कल ने बनाया है ये नंबर है कहाँ से, कहाँ से उठा लिया ये नंबर, और इसका फायदा क्या है और क्या काम है, क्या इसका काम मैं कहीं फिजिक्स में लगा सकता हूँ, फिजिक्स में कहीं लगा सकता हूँ, ये सब सोचने लगे। और बता उनका दिमाग तो चलता ही था बहुत। उन्होंने देखते 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 क्या इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज पता लगा लिया जो जो बहुत ही डेंजरस है। सबसे पहले तो उन्होंने नंबर सारा बनाया कैसे, पहले तो ये वन लिखा हुआ, फिर वन और वन कितना, दोनों में प्लस करो, वन और वन कितना होगा टू, फिर देखो यहाँ से ध्यान से यहाँ पर वन और टू कितना आ जाएगा यहाँ से वन, इसको ऐड करो इसको ऐड करो क्या होगा थ्री, फिर यहाँ से कैसे लिखा है यहाँ थ्री कैसे लिखा है, तो ये टू और ये प्लस वन क्या होगा थ्री, ये कैसे लिखा है सिक्स कैसे लिखा है तो थ्री और ये थ्री सिक्स, ये फोर कैसे लिखा है ये वन और थ्री मिला के फोर, ये फोर कैसे लिखा है तो थ्री और वन फोर, तो थ्री और वन फोर, देखो यहाँ पर ये फाइव कैसे लिखा है वन और फोर फाइव, वन और फोर मिल के फाइव, ये टेन कैसे लिखा तो फोर और सिक्स मिल के टेन, ये टेन कैसे लिखा तो ये सिक्स और ये फोर मिल के टेन, ये फाइव कैसे लिखा ये फोर और ये वन ये फाइव ये हो गया टेन, ये सिक्स कैसे लिखा होगा ये वन और ये फाइव हो गया फाइव और सिक्स हो गया, ये फिफ्टीन कैसे लिखा है ये फाइव और ये टेन क्या होगा फिफ्टीन, ये ट्वेंटी कैसे लिखा ये टेन और ये टेन, ये टेन और ये टेन मिला ट्वेंटी, ये फिफ्टीन कैसे लिखा है टेन और फाइव फिफ्टीन, ये सिक्स कैसे लिखा है फाइव और ये वन फाइव और ये वन सिक्स, यहाँ पर ये सेवन कैसे लिखा है सिक्स और वन सेवन सिक्स और वन सेवन, ये ट्वेंटी वन कैसे लिखा है फिफ्टीन इधर से और सिक्स ये ट्वेंटी वन, ये थर्टी फाइव कैसे लिखा है ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन थर्टी फाइव, ये थर्टी फाइव कैसे लिखा है ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन थर्टी फाइव, ये ट्वेंटी वन कैसे लिखा है फिफ्टीन और ये सिक्स ट्वेंटी वन, ये सेवन कैसे लिखा है ये सिक्स और ये वन सेवन, ये एट कैसे लिखा है ये वन और ये सेवन तो एट हो गया, ये ट्वेंटी एट कैसे लिखा है इधर से सेवन इधर से ट्वेंटी वन हो गया ट्वेंटी एट, फिफ्टी सिक्स कैसे लिखा है इधर से ट्वेंटी वन इधर थर्टी फाइव, दोनों ऐड करो फिफ्टी सिक्स मिल जाएगा, ये सेवेंटी कैसे लिखा है थर्टी फाइव इधर थर्टी फाइव सेवेंटी, फिफ्टी सिक्स कैसे लिखा है ये थर्टी फाइव और ये ट्वेंटी वन फिफ्टी सिक्स, ये ट्वेंटी एट कैसे लिखा है यहाँ से ट्वेंटी वन और ये सेवन ट्वेंटी एट, ये एट कैसे लिखा है इधर सेवन इधर से एट हो गया। इस तरह से देख पास्कल ने बताया था कि ये जो है ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से पास्कल से 1 1 1 1 इस 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सीरीज बनता चला जाएगा। यहां से यहां क्या लिखोगे 8 और 1 है 9 यहां से 9 लिखोगे, यहां क्या लिखोगे 36 लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे 6 5 11 5 और 7 81 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे छह और सात सात पांच बारह, यहाँ पे इतना ये लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे सिक्स सत्तर वन ट्वेंटी सिक्स लिखोगे, यहाँ पे आठ पांच आठ से चौदह और पांच से सात एक आठ एट्टी फोर लिखोगे, यहाँ पे आठ आठ सोलह और दो एक तीन थर्टी सिक्स लिखोगे, यहाँ आठ एक नौ लिखोगे, यहाँ पे वन लास्ट में वन और यहाँ पे वन लास्ट में वन वन लिखते हैं, अभी हमारे पास जगह नहीं है इस तरह से लिख दिया। ये चीज तो पास्कल ने पता लगाया था, ये जो ट्रायंगल है पास्कल ने बताया था। अभी फिर से बताता हूँ कैसे बनाना है, यहाँ वन लिखना है आजू बाजू वन लिखना है, फिर वन और कितना होगा टू, फिर टू आजू और बाजू वन लिखना है, दो एक कितना होगा तीन, दो एक कितना होगा तीन आजू बाजू वन लिखना है, फिर तीन एक चार तीन तीन छः तीन एक चार आजू बाजू वन लिखना है, चार एक पाँच इधर बाजू बाजू वन लिखना है, छः चार दस चार एक पाँच इधर आजू बाजू वन, इस तरह से बनाओगे तो पास्कल ट्रायंगल बन जाएगा आपसे बन जाएगा। इसके बारे में से मैं और विवाद कर रहा हूं पर दिक्कत मत लेना। अब जो न्यूटन ने सोचना चालू किया वो क्या न्यूटन न्यूटन साहब सोच रहे थे वो देखो जरा सा, न्यूटन साहब ने क्या सोचा यहां से ये देखो यहां वन लिखा हुआ था। अब न्यूटन ने देखा कि क्या है इसका क्या काम कैसे ये आया कहां से, तो देखो सोचते 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 एक चीज पता चला कि a प्लस बी पावर अगर जीरो करो तो कितना आएगा वन, तो वो ये वन इधर को लिखा हुआ है ध्यान से देखना, अगर a प्लस बी
पावर में वन करेंगे, ए पावर वन बी पावर वन, और यहाँ हटा लो इसको, हटा लो कोई काम आएगा नहीं है। और इसमें चिपका हुआ क्या है, ए के साथ क्या चिपका हुआ, वन चिपका हुआ, इस बी के साथ क्या चिपका हुआ था, वन, ये वन और ये वन इधर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ये देखो न्यूटन को क्या दिख रहा है, फिर करे यार कमाल हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो क्या लिख रहे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इधर में इस ए स्क्वायर में क्या चिपका हुआ, ये वन, ये वाला वन, ये टू, तो ये वाला टू, इसके साथ क्या चिपका हुआ है, इसके साथ क्या चिपका हुआ है, बी के साथ, बी स्क्वायर वन, ये वाला यहाँ पर वन, देखो तब तो उसको लगा यार ये तो कमाल हो रहा है, कैसे हो रहा है यार, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर कहे तो, ए प्लस बी का होल क्यूब करो अगर बच्चे, ए प्लस बी का होल क्यूब आप करोगे याद करो क्या लिखते थे, ए का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ऐसा। अब किसी बच्चे ने ये ऐसे तो हमने याद ही नहीं किया, हमने ऐसे याद किया था ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, हमने यही याद किया था, तो यही बात है बच्चे, इसको आप एक्सप्लेन करके हमने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। अब इसके साथ ए क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ, वन चिपका हुआ है, तो देखो यहाँ पे वन चिपका हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है थ्री, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री, यहाँ पे भी लिखा हुआ है थ्री, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है थ्री, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ वन, यहाँ पे लिखा हुआ वन, देखो इसके साथ क्या कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो ये वन इधर लिखा हुआ है, इसके साथ क्या कोफिशिएंट है थ्री, इधर थ्री लिखा हुआ है, इसके साथ क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे थ्री, तो यहाँ भी थ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वन, तो यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट क्या है वन, यहाँ वन। अब यहाँ से न्यूटन का दिमाग जो जबरदस्त क्लिक किया, ये तो बड़ा जोरदार, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, अब मैं किसी से पूछू ए प्लस बी पावर फोर बोलो तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बहुत मेहनत से लिख पाएगा, ए प्लस बी पावर फाइव उससे ज्यादा मेहनत लग जाएगा, लेकिन बोलोगे ए प्लस बी पावर टेन लिखो या नाइन लिखो तो बहुत ज्यादा इस सर में दर्द हो जाएगा, ये क्या हो रहा है यार, क्या पूछने लगा, इससे थोड़ी हम लोग ने याद थोड़ा ना किया इतना, ए प्लस बी पावर फोर ए प्लस बी पावर फाइव, ए प्लस बी का होल क्यूब याद करने में हालत खराब हो जाती है, ए प्लस बी पावर फाइव फोर कैसे याद करूंगा, लेकिन अगर ये टेक्निक पता यूज कर लोगे बच्चे तो ए प्लस बी पावर 100 ए प्लस बी पावर 5 ए प्लस 15 20 20 30 40 वो अगर सीरीज बना लोगे तो तुम तुरंत तुरंत लिख सकते हो। तो एक बार फिर से मैं छोटा बना करके दोनों चीज दिखाता हूं एक साथ, छोटा बना करके इसको पास्कल ट्रायंगल को छोटा करके दोनों चीज एक साथ दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका क्या फायदा निकाल दिया न्यूटन साहब ने, क्या फायदा निकाल दिया वो आप समझ पाओगे, और इसका आपका सीधा बेनिफिट मिलेगा ये कि आपको आसानी से बड़े बड़े पावर्स के वैल्यूज को एक्सपेंड कर दोगे बहुत फास्ट, बिना टाइम यूज ज्यादा बर्बाद किए हुए फास्टली वेस्ट किए फटाफट आप बता सकते हो कैसे, तो वो मैं आपको दोनों एक साथ दिखा रहा हूं, दोनों चीज एक साथ दिखा रहा हूं तो आपको पता चलेगा इसे क्या यूज है और उसको समझ पाओगे, ध्यान से ना, काफी मजा आता है इसमें, काफी ज्यादा मजा आता है ये चीज को देख करके, इस चीज को सीखने में काफी मजा आता है। देखो सबसे पहले मैं पास करना है वापिस लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे क्या था वन आजू बाजू वन 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 टू, यहाँ पे आजू बाजू वन दो एक तीन आजू बाजू वन तीन एक चार तीन तीन छः तीन लिखा हुआ है, तीन एक चार आजू बाजू वन चार एक पाँच छः चार दस चार एक पाँच आजू बाजू वन पाँच एक छः दस पाँच पंद्रह, ऐसे यूँ देखो इस तरह से, इस तरह दस और दस, दस और दस कितना देखो बीस, दस और पाँच इस तरह देखो यहाँ पर पंद्रह, पाँच और छः मिले पाँच एक छः छः और आजू बाजू वन फिर छः एक कितना लगेगा, यहाँ आजू बाजू वन लगा तो सात, इस तरह से लिख दो, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं है, सात यहाँ से देखो पंद्रह छः इक्कीस पंद्रह ये 35 फिर से यहाँ 35 यहाँ से पंद्रह छः मिलकर 21 छः एक मिलकर सात और आजू बाजू वन, इधर जगह नहीं लिख दिया, यहाँ पे तो फाइव कैसे मिला, मैं यूँ से यूँ मिला है, दस कैसे मिला है छः दस और छः चार और छः दस छः और चार दस, देखो इस तरह से
पांच कैसे मिला, तो चार और एक पांच मिलकर पांच मिला, इस तरह से होता है। ये चार कैसे मिला, यहाँ से यू मिला चार, तीन और तीन कितना हो गया छह, तीन और तीन और एक कितना हो गया चार, यहाँ पे लिया चार। ऐसे बनाते हैं हम लोग, दो एक तीन, ये दो एक तीन, दो एक यहाँ पे तीन और एक एक यहाँ पे दो, यहाँ पे छह कैसे मिला पांच और एक मिला गया छह। इस तरह से बातें हो गई हमारी। अब देखो यूज कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ए प्लस बी पावर में जीरो क्या लिख देंगे, सिर्फ वन, ये वन हो गया। ए प्लस बी पावर वन क्या लिखोगे, ए प्लस बी इसमें क्या लिखा हुआ है, वन वन लगा हुआ है, ये वाला वन, ये वाला वन, तो ये वाला वन, ये वाला वन, ये मैंने अभी दिखा दिया था पहले, फिर से बता रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, तो वन टू और वन। अब ए प्लस बी का होल क्यूब मैंने दिखा दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब भी दिखा दिया था अभी पहले, ए का क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, यहाँ पे क्या लिखा वन, यहाँ पे थ्री, यहाँ पर थ्री, यहाँ पे वन, तो वन, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे वन। अब इसी तरह से अगर मैं ए प्लस बी पावर फोर लिखा लू, ए प्लस बी पावर फोर, तो यहाँ से भारी लगता है हमें, मुश्किल सा लगता है लेकिन हो सकता है। यहाँ भी यहाँ क्या लिखा वन फोर सिक्स फोर वन लिख दो, वन यहाँ क्या लिखा फोर सिक्स फोर सिक्स फोर वन, फोर और वन, फोर और वन, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, क्या कर देता हूँ एक मिनट, वन फोर सिक्स, वन फोर सिक्स फोर और वन। तो सोचो क्या है, सोचो ये इसलिए क्या लिख दिया, क्या फायदा है इसका, अभी फायदा दिखेगा बच्चे। इधर प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ प्लस लगा दो। अब देखो सबसे पहले क्या करना, ए के ऊपर में सबसे मैक्सिमम पावर दो फोर, ए पावर फोर। अब ए को घटाते जाओ, फोर पावर क्या लिखना, ए का क्यूब फिर ए का स्क्वायर फिर ए, फिर ए खत्म हो जाएगा, ए पे पावर वन हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे इधर लो बी पावर, लो बी के पावर में फोर, यहाँ पे लिखो बी पावर में थ्री, यहाँ लिखो बी का स्क्वायर, यहाँ पे लिखो बी, हो गया। ए प्लस बी का पावर फोर लिखा गया, फॉर्मूला बन गया, क्या होगा, ए पावर फोर प्लस फोर ए का क्यूब प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी, फोर ए बी का क्यूब प्लस बी पावर फोर, बन गया, तैयार हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो देखो ध्यान से रखना, ए पर पावर ए प्लस बी पावर फाइव लिख रहा हूं मैं, तो कैसे लिखूंगा, क्या लिखा हुआ, वन फाइव टेन, टेन फाइव वन, तो लिखते हैं यहां पर वन फाइव टेन, टेन फाइव वन, क्या फायदा होगा, यहां प्लस है तो सब यहां प्लस लगा दो, यहां प्लस लगा दो, यहां पर प्लस लगा दो, यहां पर प्लस लगा दो, यहां पर प्लस लगा दो। अब ए के पावर में फाइव ले लो, पहले ए के पावर में फाइव ले लो, घटाते जाओ घटाते जाओ, ए के पावर में क्या लिखेंगे फोर, अब घटाते जाओ, ए के क्या लिखेंगे थ्री, फिर क्या लिखेंगे ए का टू पावर में ए के पावर वन। अब इधर से लो बी को, लो बी को पावर फाइव दो, तो बी के पावर में फाइव, यहाँ पे बी के पावर में फोर, यहाँ के बी पावर में तीन, यहाँ के बी पावर में टू, यहाँ पे बी पावर वन, हो गया। ए प्लस बी के पावर ऑटोमेटिक तैयार कर दिया न्यूटन ने बहुत चालाकी के साथ, ए पावर फाइव प्लस फाइव ए पावर फोर, और इन दोनों का सम पावर का सम पांच ही होना चाहिए, चार एक पांच, तीन दो पांच, दो तीन पांच, चार एक पांच, यहाँ देखो ये पावर चार है, यहाँ पे चार, यहाँ पे तीन और एक चार, दो और दो चार, एक और तीन चार, यहाँ पे पावर चार। अभी इसी तरह से आप पता, आपको देखना फिर से मैं वापस कर रहा हूं बच्चे, ए प्लस बी पावर सिक्स लिखने जा रहा हूँ, ए प्लस बी पावर में सिक्स लिखने जा रहा हूँ, ए प्लस बी पावर में सिक्स, बिना किसी फॉर्मूला के दिमाग लगाए आप बिना रटे हम लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ सिक्स में, क्या लिखा हुआ सिक्स पावर में, वन सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्स वन, ये लिख लो पहले, वन सिक्स फिफ्टीन, सिक्स फिफ्टीन फिर क्या ट्वेंटी फिर क्या फिफ्टीन, यहाँ पे सिक्स और वन, क्या फायदा क्या होगा, यहाँ पे प्लस लगा लो, यहाँ पे प्लस के चक्कर में, यहाँ पे प्लस, 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 यहाँ पे प्लस। अब ए को मैक्सिमम पावर दो, एक पहले मैक्सिमम पावर दो सिक्स दो, ए पावर में सिक्स, उसे घटाते जाओ, ए पावर में फाइव और घटाओ, ए पावर में फोर और घटाओ, ए का थ्री, ए का टू, ए पावर वन, हो गया। अब इस तरह से बी को दो, बी को पावर छह दो, उसे घटाते चले जाओ, तो क्या लिखोगे, बी पावर में सिक्स, बी पावर में फाइव, बी पावर में फोर,
बी पावर में थ्री, बी पावर में टू, बी पावर में वन। अब ये पास्कल ट्रायंगल देखा फायदा, देखा क्या देखा फायदा कि पास्कल ट्रायंगल के से यूज करके हम ये फॉर्मूला याद नहीं रहता था, हमें लिखने बहुत दिक्कत होती थी और उसको हम बहुत ही फास्ट लिख पाते हैं। समझ में आ रहा है? देखो जैसे सेवन वाला करके मैं बताऊ, ए प्लस बी पावर में सेवन, अब इसको फटाक से लिख सकते हैं, तेईस लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो सबसे पहले देखो कितना है, वन सेवन ट्वेंटी वन, वन सेवन ट्वेंटी वन, थर्टी फाइव थर्टी फाइव, थर्टी फाइव थर्टी फाइव, ट्वेंटी वन सेवन वन, ट्वेंटी वन सेवन और वन। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लो, प्लस 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 प्लस। अब ए के पावर में सेवन, दो ए पावर में सेवन, उसको घटा क्या है, ए पावर में सिक्स, फिर क्या है, नहीं लिखा हुआ है, फिर क्या आएगा यहाँ से, ए पावर में फाइव, ए पावर में फाइव, ए पावर में थर्टी फाइव कराया मैंने, ए पावर में जाएगा फोर, ए पावर में थ्री, ए पावर में थ्री, अब यहाँ क्या लिखा, ए पावर में टू, ट्वेंटी वन लिखा हुआ है, फिर आएगा ए, ऐसे आएगा। अब यहाँ बी पावर सेवन लो, बी पावर में सेवन, यहाँ पे बी पावर में सिक्स, यहाँ पे बी पावर में फाइव, यहाँ पे बी पावर में फोर, यहाँ पे बी पावर में थ्री, थ्री है ये, बी पावर में टू और बी पावर में वन। इस तरह से पास्कल्स ट्रायंगल में यूज करके हम बड़े बड़े पावर वाले ये कॉन्सेप्ट जो है उसके फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा फास्ट लिख देते हैं, बिना विचार किए बहुत, हम लोग बिना रट्टा मारे बिना टाइम वेस्ट किए हम बहुत ही ज्यादा बहुत ही फास्ट अगर हम इसका आंसर लिख देते हैं। अगर मैं और एक और बार बताता हूँ कि अगर ए माइनस बी पावर फोर होता, माइनस होता तो क्या करते बच्चे, जब माइनस हो तो कैसे क्या करना है, तो एक बार अगर प्लस फिर यहाँ पे कर दो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कर दो माइनस, यहाँ पे कर दो प्लस, हो गया ए माइनस बी पावर फोर हो गया। अगर कुछ ए प्लस बी पावर, ए माइनस बी पावर फाइव का आंसर बोलो क्या लिखोगे, पहले प्लस फिर यहाँ पे कर देना है माइनस, फिर यहाँ पे रहना है प्लस, फिर यहाँ पे कर देना है माइनस, फिर यहाँ पे प्लस तो है, यहाँ पे कर देना माइनस, इधर आसानी से इसका फॉर्म बन जाता है। कुछ अगर ए माइनस बी पावर सिक्स का आंसर लिख सकते हो तो यहाँ पर रख देना है पहला प्लस, दूसरा रख देना माइनस, तीसरा रख देना प्लस, चौथा कर देना है माइनस, फिर पांचवा कर देना प्लस, छठा कर देना माइनस, फिर ये सातवां प्लस। इसी तरह से क्या करना, पहला वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, जैसे ए माइनस बी पावर सेवन होता तो क्या लिखते हैं, पहले प्लस फिर यहाँ पे लिखते हैं माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस। तो इस तरह से देखो यहाँ पे प्लस बी का, ए माइनस बी का होल की मतलब क्या आंसर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, यहाँ पे लिख दिया प्लस, यहाँ पे लिख दिया माइनस, हो गया। अब ये तो पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद किया हुआ है, देखो अभी कैसे होता है, ए स्क्वायर देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिख दो माइनस, यहाँ पे लिख दो प्लस, ये तो याद ही है सबको, ये ध्यान रखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या याद रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। अब यहाँ ए माइनस बी पावर वन होता क्या लिखते हैं प्लस, यहाँ क्या लिख देते हैं माइनस। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, प्लस और माइनस के भी पावर को आसानी से लिख पाते हैं। तो यही आगे प्रोडक्शन था बच्चे, यही आप प्रैक्टिस करना, ये लिखना पास्कल स्ट्रायंगल लिखने का प्रयास करना और ये सब आपको लिख लेना। इसके बाद की जानकारी, बाद की जानकारी जो है वो हम अगले वीडियो में बातें करेंगे, ठीक है किरण। तो इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करते हैं समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपस में दूरी बनाए रखें, दो गज की दूरी बेहद जरूरी, और रहिए सुरक्षित। तो बाय बाय, सी यू, टाटा।